don't know. तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जा और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम का जिस्म बनाने से पहले जिन्नात और फरिश्तों को पैदा किया और उनको नूरी और नारी मखलूक कहा जाता है। नूरी मखलूक फरिश्तों को और नारी मखलूक जिन्नात को कहा जाता है। नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके जोड़े नहीं बनाए, जबकि जिन्नात की नस्ल बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके जोड़े भी बनाए थे। रिवायात में है कि सबसे पहले समून, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने तख्लीक करके ज़मीन पर उतारा था, फिर इसके जोड़े के लिए एक लड़की को भी पैदा फरमाया। इस तरह समून और इस लड़की की शादी हो गई। फिर इन दोनों जिन्नात से जिन्नात की नस्ल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी। ये जिन्नात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते थे और उनमें से कुछ जिन्नात अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को मानने से इनकार करना शुरू हो गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जिन्नात अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमान कौम बन गए। चुनाचे जिन्नों में से एक जिन जलीबा था, जिसकी शादी तलबीस से हो गई। चुनाचे ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जिसामत में काफ़ी बड़े थे। जलीबा की शक्ल बब्बर शेर से मिलती थी और इसकी बीवी की शक्ल बेड़िए जैसे थी। इन मियां बीवी से बड़े बड़े जिन खौफ ज़्यादा होते थे। जलीबा और तलबीस को एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये लड़का भी वालदैन की तरह बड़ा ताकतवर था। आदम अलैहि सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नों का उरूज था। उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो, अगर वो ना माने तो उनसे जंग शुरू करो। चुनाचे फरिश्तों ने जिन्नों को अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर फितना फसाद ना फैलाओ, तो नारी मखलूक ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील की और इस तरह से नूरी और नारी मखलूक के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग के नतीजे में फरिश्तों को फतह हासिल हुई और इस जंग में जलीबा और तलबीस भी कत्ल हो गए थे, और जो जिन्नात बाकी बच गए थे उनको फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से कैद कर लिया था। इन्हीं कैदियों में से अज़ाज़ील भी था। जब कैदियों को आसमान पर ले जाया गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश और तरबियत की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जिस पर फरिश्तों ने भी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा सिफारिश की थी। फरिश्तों ने अज़ाज़ील की तरबियत बड़े अच्छे तरीके से की, जिसकी वजह से अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व ताला का नेक बंदा बन गया, जो हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ़ रहने लगा।
अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास बंदों में से एक बंदा था। अज़ाज़ील के पास इतना इलम आ गया था कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसको फ़रिश्तों का मुअल्लम बना दिया। फरिश्ते अज़ाज़ील के पास इलम हासिल करने के लिए आया करते थे। फरिश्ते अज़ाज़ील को इबादत गुजार और नेक के नाम से जानते थे। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत के खजानची और वज़ीर का काम करता रहा और 80,000 साल तक वो फरिश्तों के साथ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के अंदर मसरूफ़ रहा और 20,000 साल तक अज़ाज़ील फरिश्तों का मुअल्लम रहा। चुनाचे इसका मकाम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अल्लाह ताला के फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे बड़े बड़े फरिश्ते भी इसकी शागिर्दी में रहा करते थे। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला जो हर चीज़ को पैदा करने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला को इस बात का पहले ही पता था कि एक दिन अज़ाज़ील मेरी नाफरमानी करेगा। एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के पास से हुआ तो इसने वहाँ लिखा हुआ देखा कि मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को पढ़ने के बाद अज़ाज़ील 2,000 साल तक रोता रहा और इस बात को सोचते रहा कि यह शैतान मरदूद कौन है। एक दिन इसने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर पेश होकर अल्लाह तबारक व ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह ये शैतान मरदूद कौन है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मैं अपने एक बंदे को बड़ी नेमतों से नवाजूंगा, एक दिन वो मेरी नाफरमानी करेगा जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत ज़ाया हो जाएगी और वो मरदूद शैतान बन जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला की बात सुनकर अज़ाज़ील हर वक्त ये बात सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह मैं इस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फिर कई सदियों तक अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने उसे फरमाया था कि तुम हमारे इस बंदे को एक दिन ज़रूर देख लोगे। एक दिन अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को इकट्ठा करके फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब पैदा करने वाला हूँ। जब इस बात का इलम अज़ाज़ील को हुआ तो वो ये बात सोचने लगा कि मेरे से बड़ा अल्लाह तबारक व ताला का नायब कौन हो सकता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाकर 40,000 साल तक इसी तरह रहने दिया और आप अलैहिस्सलाम में 40,000 साल तक जान न डाली। जब भी फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजर होता तो वो बहुत हैरान हो जाते थे। जब अज़ाज़ील शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास गुजरता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को नफ़रत और तकब्बुर से देखा करता था और वो इस पुतले से गुजरते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तरह तरह की अज़ियतें भी दिया करता था। अज़ाज़ील समझता था कि यहाँ बस मैं ही अल्लाह तबारक व ताला का खलीफा हूँ। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाल दी और सब फरिश्तों को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चुनाचे सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अज़ाज़ील कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आग से नहीं बनाए गए, तो मैं इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ? ये बात सुनते ही अल्लाह तबारक व ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि यहाँ से निकल जा, तो शैतान मरदूद हो चुका है। अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म सुनकर अज़ाज़ील को यकीन हो गया कि मैं ही शैतान मरदूद हूँ। जब अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया तो इसने अल्लाह तबारक व ताला से क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत मांग ली, तो अल्लाह ताला ने इसको क़यामत के दिन तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान मरदूद ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ लेकर जाऊंगा और बहुत तादाद में तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरे नाशुक्र हो जाएंगे और गुनाहों की तरफ मायल हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान मरदूद से फरमाया कि तू मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत वसी है, मैं उनको माफ़ कर दूंगा। इस तरह अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करके शैतान मरदूद बन गया। अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान मरदूद के गले में लानत का तो क़यामत तक के लिए डाल दिया। इस तरह शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से दूर कर दिया गया। रिवायात के अंदर आता है कि जब क़यामत के नज़दीक दूसरा सूर फूंका जाएगा तो इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला शैतान को मौत का मज़ा चखाएगा। इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें गुरूर और तकब्बुर से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखें।